तो 3 लाख बांट के 62 लाख रख लूंगी। नहीं सर मैडम आप ठीक है, आप कुछ ये आप ऐसा नहीं करेंगे तो सर मैडम ऐसा नहीं करेंगे सर, हम ऐसा सोचते नहीं क्योंकि ये जो कंपनी हम लोग का बहुत विश्वास है सर, ये कंपनी पैसों के लिए डाली नहीं है। पहली बात, ये कंपनी डालने के पहले ऑलरेडी मेरी 2-3 CR की प्रॉपर्टी थी, ये मेरा खुद का ऑफिस है, जो ऑफिस को 3 साल हो चुके हैं, ये कुछ आज डाला हुआ ऑफिस नहीं, इसके पेपर्स है जो 3 साल पुराने है। मेरे पैसों के लिए मैंने ये जो बिजनेस है ये स्टार्ट किया बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक मॉब था जो अनएम्प्लॉयड था, क्योंकि इसके पहले मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने के, तो मेरे पास जो लिंक थी वो काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयड लोग हुए थे, और इन्वेस्टमेंट में आज काम करना इज़ नॉट पॉसिबल। आप लाइबिलिटी का काम आज मार्केट में कर नहीं सकते क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के वो इलीगल है डायरेक्टली। अपना जो काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंडर प्रोडक्ट बेस है भाई, आपका पैसा आपके पैसे के बदले में आपका ये प्रोडक्ट, आपका मेरा रिलेशन खत्म। जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ये जो मॉब था, ये सारे मॉब को मुझे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना था और कुछ तो अलग करना था कि भाई इतने सारे लोग हैं, इनको लेके हम कुछ अपना स्टार्ट करते, और इस चीज के लिए ये कंपनी स्टार्ट की हुई है। ये कंपनी पैसों के लिए स्टार्ट बिल्कुल नहीं की है, मेरे को पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बोली थी, मैं आज भी ये बोली थी, मैं किसी के भी 850 रुपये नहीं रखूंगी। मैंने कंपनी बंद भी किया ना तो उस दिन मैं सबको लेके बैठूंगी, सबके पैसे बांट दूंगी, फिर कंपनी बंद करूंगी। मैं किसी का पैसा लेके ये नहीं करूंगी। तो मैडम ठीक है, आपका हस्बैंड का तो खराब है, इसलिए आपको जल्दी से जाना है। एक तो बात आपको रिक्वेस्ट है, तो ये हम लोग का इधर आप कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे आप वेस्ट बंगाल, कब जाएंगे? जब आप है ना 100 गाड़ी बांट दोगे ना तब आऊंगी मैं आपके। 100 गाड़ी थोड़ा कंसीडर कीजिए, थोड़ा कंसीडर कीजिए, कंसीडर अभी कितना हुआ मैडम? आप जब जाएंगे तो 100 में जाएगा, 100 हो जाएगा, 60 हो गया। आप सिर्फ एक बार आएंगे ना उसके बाद 60 हो गया, 50 क्रॉस हो गया, 1 महीने 1.5 महीने में आएंगे। अभी एक्चुअली क्या है सर, मेरे को ना ये सब सिस्टम लगाना है क्योंकि ये लोग इतना तंग करते ना, मैं रहती हूँ इसलिए सब डर के रहते हैं। मैं हिली ना तो ये लोग यहाँ पे ऑफिस में इसलिए मुझे मेरे इतने काम अटके हुए हैं क्योंकि आपको पता होगा मैं ह्यूमन राइट्स की महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ, मैं महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की। उन लोगों के कंटिन्यूस प्रोग्राम चलते हैं, मैं वहाँ पे जा भी नहीं पा रही हूँ, बहुत नाराज हो गए मुझे। वो लोग समझते हैं मुझे क्योंकि मैं उनके साथ भी 2-3 साल से काम कर रही हूँ, उनको पता है मेरा काम क्या है, इसलिए वो समझ के ले रहे। लेकिन मेरे इतने काम पेंडिंग है कि मुझे यहाँ से निकलने को ही नहीं हो रहा है, और मैं ये इस पे हूँ, मैं हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि मैं और क्या करूँ, और जो भी करती हूँ ना लोग उसके 4 कदम आगे रहते हैं, उसमें लोग ना प्रॉब्लम ही दे देते मुझे।